गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह की बज रहे हैं 6 और बिग बॉस के घर में गुड मॉर्निंग हो गई। यहाँ पे 6 बजे धूप से था मुंह पे। ये था गजक, ये बहुत अच्छा है। खाया तुमने? मिला ही नहीं मुझे वो लड्डू मिले। पहले खा के दे तो बोल दूंगी। बिल्ली को भी दो। मैं तो देखा था खाके, मुझे तो ज्यादा मैं उनको ज्यादा दूंगी ना। नहीं खा रही है, कुछ नहीं खा रही। चल बाहर जा। दूध टाइप क्यों हो रहा है? भैजी और बहनों, नमस्कार आप सभी ते गौरव लेखवार को। आज हमारो दूसरो दिन छे भाई उजाड़ी गाँव में जी, और हम अभी जाना छो सौड़गाड़ नयण खातिर। यो हमारी दगड़ में छन बड़ा भैजी मोहित सिलसवाल जी, पिछने छन उनका यूके रैपी बॉय, पिछने छे उनका मोहित गुसाई। ये पहाड़ी लड़का यहाँ पे खिचड़ी बना रहा है पहाड़ी टोपी पहने हुए, आंखों में बिल्कुल पूरा प्रोटेक्शन है ताकि धुआं ना लगे, मास्क भी है प्रॉपर। सुबह से यहाँ बिजली नहीं थी, बल लाइट नहीं थी इधर। बिजली गिराने ये है आई, ये आई कहते हैं इसको हवा हवाई, हवा हवाई। तो सुबह से यहाँ पे लाइट नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो अभी हमने अपना फोन थोड़ा बहुत चार्ज किया सभी ने, और सभी ब्लॉगर्स यहाँ पे अपने अपने ब्लॉग बना रहे हैं एक एक करके सबके सब। और अभी अंदर खाना बन रहा है। अगर वो डाइट पे भाई खान ओ और ए भाई जी दोबारा पोपड़ों पे मशरूम ना लगो, जल्दी से भाग जा। चलिए भाई, कहते हैं कि शहरों में जीवन जीना पहाड़ों के अकॉर्डिंग काफी सरल है, और वास्तव में ये बात सच भी है, क्योंकि पहाड़ों के लोग सुबह जल्दी उठकर दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ के बच्चे भी अपने बनाए खिलौनों से खेलते हैं। वो खुद अपने खिलौने तैयार करते हैं और उन खिलौनों से काफ़ी खेलते हैं और काफ़ी खुश भी रहते हैं। तो दोस्तों, मैं और मेरे दोस्त कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में रहने आए हैं, और हम यहाँ पर लगभग वो सारे काम करने वाले हैं जो कि पहाड़ों के लोग हर दिन बिना किसी सिकंद के करते हैं। तो अब मैं कल जब मछली पकड़ूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने मछली कैसे पकड़ी। चांटे मारूंगा किस चीज के क्या मछली पकड़ने वाला आइडिया। अभी तो आज मेरे पास तू नहीं। अच्छा ठीक है, तू ही बना। मछली मुझे पकड़नी है, मेरा व्लॉग था मछली पकड़ने का, सीजन पूरा सीजन बनाऊंगा। तो हमारे तो इस सुकून भरे सफर की शुरुआत हो चुकी है, और हमें यहाँ की दिनचर्या भी काफी पसंद आ रही है। सुबह वो नींद का बिना किसी अलार्म के समय पर खुल जाना, और फिर वो पूरे दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहना। दोस्तों, वास्तव में शहरों की भागदौड़ में हम खुद को खो चुके हैं। शहरों में हम खुद को सही से समय नहीं दे पाते, लेकिन अब कुछ दिन हम यहाँ बड़े आराम से रहने वाले हैं और काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। बने रहना, पूरा ब्लॉग देखना, एंजॉय करना हमारे साथ साथ। आप भी जो है अपने घर पे बैठे बैठे हमारे ब्लॉग को देख के एंजॉय कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहना, प्यार बनाए रखना।